स्वागत है स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंटेनर हैज टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू वेयर रो टू इज ग्रेटर देन रो वन दो अलग अलग लिक्विड है दोनों इमिसिबल है मिक्स नहीं होगा तो जो ज्यादा डेंसिटी है वो नीचे जो कम डेंसिटी है वो ऊपर अब क्या हुआ कि ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस आर है इज इंसर्टेड इन द लिक्विड सो दैट इट बॉटम रीच इज द अपर अपू देंसर लिक्विड लिक्विड तक पहुंच चुका है और हाइट एच अटेंड किया जो इस वाले लेयर के इक्वल है जो रोवन डेंसिटी का जितना हाइट है उतना हाइट तक इसमें कैपिलरी इससे ऊपर राइज कर गया बोल रहे की एज्यूम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट टू वी जीरो का वैल्यू यहाँ जीरो तुम बताओ सरफेस टेंशन ऑफ डेंसर लिक्विड क्या होगा देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इस पॉइंट का ठीक है और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा क्यों सेम होगा क्योंकि हमारा ये प्रॉपर्टी है कि दी प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम एंड लाइन मस्ट पास थ्रू द सेम लिक्विड तो यहां पर जो लिक्विड है वही लिक्विड यहां पर भी है तो इसका नाम रख दो ए इसका नाम रख दो बी तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी अब हम यहां पर देख सकते हैं कि प्रेशर इसका नाम रख दो पॉइंट सी और इसके जस्ट क्या जो मैनिसकस है उसके जस्ट नीचे का पॉइंट का नाम रख दो डी ठीक है इसका नाम रख दो डी और एक पॉइंट ले लो यहां पर इसका नाम रख दो ई e. तो सी पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ई e पे जो प्रेशर होगा वो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर ही होगा क्योंकि दोनों तो एटमोसफेयर के कांटेक्ट में है अब कर्व जो मेरा बन रहा था मेनिसकस जो बन रहा ऐसे बन रहा है मतलब कि ये मेनिसकस जो बना उसमें अंदर का इसके नीचे का प्रेशर जैसे डी और इसके ऊपर का प्रेशर जैसे कि सी है तो तुम खुद बताओ कि सी ज्यादा होगा या डी ज्यादा होगा ऑफकोर्स सी ज्यादा होगा तभी तो दबाव लग करके उसको नीचे धकेल करके ऐसा सरफेस बना रहा है तो हम अगर एक्सेस प्रेशर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखे तो एक्सेस प्रेशर वाला जो फॉर्मूला था कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू टू टी बाई आर क्यों लिख रहे हैं हम टू टी बाई आर क्योंकि यहाँ पर एक ही फ्री सरफेस है सी के तरफ डी वाला फ्री सरफेस तो नहीं है तो एक तरह का एयर uh, बबल की तरह से बिहेव कर रहा है ठीक है एयर बबल मतलब पानी के अंदर जो बबल बनता है एयर का जिसमें एक ही फ्री सरफेस होता है उस तरह से बिहेव कर रहा है या लिक्विड ड्रॉप की तरह से बिहेव कर रहा है तो इसलिए ये फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का लिखेंगे तो प्रेशर एट सी इज पी नॉट माइनस प्रेशर एट डी इज इक्वल टू टू टी बाई आर तो यहाँ से प्रेशर एट डी कितना आ गया पी नॉट माइनस टू टी बाई आर अब देखो डी से हम कितना नीचे जा रहे है एच नीचे जा रहे है तो अगर हम डी से एच नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर एट ए तो हम लिख सकते हैं ना देर फोर प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस कौन से लिक्विड में डी से ए जा रहे हैं कंफ्यूज मत करना रो वन में नहीं इसके अंदर जो लिक्विड है वो रो टू है तो रो टू इंटू जी इंटू एच तो ए का प्रेशर बी के प्रेशर के बराबर था और बी का प्रेशर हम लिख सकते हैं प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ई जो पी नॉट है प्लस इसमें इस रो वन में कितना नीचे आ रहा है एच नीचे आ रहा है तो रो वन इंटू जी इंटू एच तो यहाँ पर हम पी ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं पी ए के जगह पे पी बी लिख सकते हैं जो कितना है पी नॉट प्लस रो वन इंटू जी इन एच पी डी के जगह क्या लिख सकते हैं पी नॉट माइनस टू टी बाई आर प्लस रो टू जी एच अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या तो तुम देखोगे कि पी नॉट यहाँ से कैंसिल हो रहा है क्या बच रहा है तो इधर में बच रहा है रो वन जी एच उधर बच रहा है माइनस टू टी बाई आर प्लस रो टू जी एच अब एक काम करो तुमको तो सरफेस टेंशन से मतलब है ना तो टू टी बाई आर को इधर ले आओ तो टू टी बाई आर इक्वल्स टू ये आ जाएगा उधर तो जी एच कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा रो टू माइनस रो वन तो एट लास्ट हम देख पा रहे हैं कि टी का वैल्यू यहाँ से आ रहा है और जो आर जी एच बाई टू टाइम्स ऑफ रो टू माइनस रो वन तो हमको तो लग रहा है कि सी वाला सही मिल रहा है मेरे को तो चलो इसको एक और स्टेप लिख ही लेते हैं तो एक स्टेप और लिखेंगे तो आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू डिवाइड हो जाएगा देर फोर टी विल बी इक्वल्स टू आर इंटू जी एच रो टू माइनस रो वन डिवाइडेड बाई टू तो आर इंटू जी एच रो टू माइनस रो वन डिवाइडेड बाई टू तो तुम देखो यहाँ पे तुमको ऑप्शन नंबर सी वाला सही होता हुआ दिखाई देगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग